दोस्तों काफ़ी लोग सोच रहे थे आखिर मैं वीडियो कहाँ पे शूट करता हूँ, मेरा सेटअप क्या है, कौन सी लाइट यूज़ करता हूँ, कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ एंड मोबाइल कौन सा यूज़ करता हूँ, माइक कौन सा यूज़ करता हूँ। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, इवन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं किस रूम में शूट करता हूँ और इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं मतलब कि आपको पूरा एक स्टूडियो टूर देने वाला हूँ, पूरा आपको रूम दिखाऊंगा एंड रूम में जो कुछ भी अवेलेबल चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा और किस पर्पज़ के लिए मैंने चीज़ों को रखा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैंने जो भी आपको बताया ये सभी चीज़ें बताऊँगा मैं क्या यूज़ करता हूँ वीडियो के लिए। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, मैं छोटा ही रखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी ये थोड़ा सा तो बड़ा हो ही जाएगा, आप मैनेज कर लेना। चलिए अपना जो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको कुछ चीज़ें जो रूम की हैं वो दिखा देते हैं और अपना सेटअप दिखा देते हैं, किस जगह पर हम खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं या फिर चेयर कैसी, सब कुछ ओवरऑल जो कुछ भी रहता है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी मैंने ये मोबाइल स्टैंड पे लगा रखा है, एक जो अपना ट्राइपॉड है इस पे। अब इससे मैं अपने मोबाइल को निकालता हूँ और आगे का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करता हूँ। इस जो इस स्पेस में क्या क्या चीज़ें रखी हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं उधर लेके चलता हूँ जहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो सिम कार्ड्स हैं, काफ़ी सारे सिम कार्ड पड़े हैं जिन्हें मैं यूज़ करता था पहले और अभी मैं एक एक करके बंद कर दिया है इन्हें यूज़ करना, तो यहाँ पे वेस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है ना, और ये जो इसमें फाइल रखी है हमारी डॉक्यूमेंट्स फाइल, जिसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, बाद यहाँ पर जो है अपने राम जी की फ़ोटो लगी हुई है भगवान जी की, और यहाँ पर जो है ये कवर है अपना जो भी लैपटॉप का, जो कि अभी अपना जो है लैपटॉप वहाँ पर उसके बाद थोड़ा बताएंगे, उसे जब यूज़ कर लेते हैं यूज़ करने के बाद इसमें ही अंदर रख देते हैं, बिकॉज डस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, तो अभी इसमें रखने के बाद जो रहता है डस्ट नहीं आएगा उसमें। और यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पेन रखता हूँ मैं एंड इसके बाद जो है माउस रखता हूँ, माउस यूज़ करता हूँ ओनली एडिटिंग के टाइम पे, और माउस की कोई आवश्यकता पड़ती है नहीं, छोटा पूरा काम तो ऐसे हो जाता है लैपटॉप के माउस से ही। एक ही एक्स्ट्रा डाटा केबल है यहाँ पे, ठीक है, एक और जो ये वाला है ये हमारा फर्स्ट स्मार्ट वॉच, ये देखिए इसे मैंने ओपन किया, इसमें ये सिम कार्ड लगता है, एक मेमोरी कार्ड लग जाता है और इसमें बैटरी लगानी है और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिलेंडर पड़ा हुआ है, और उसके बाद मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये जो है मेरा फर्स्ट मोबाइल है, इसी मोबाइल को यूज़ करके मैंने जो फर्स्ट वीडियो शूट किया था और अपना चैनल भी इसी मोबाइल से क्रिएट किया था और जो है पूरा चैनल मोनेटाइज भी हमने इसी मोबाइल से किया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट मोबाइल है, लेकिन अभी ये वर्किंग कंडीशन में नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इसे मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और इनका भी कुछ खास यूज है, मैं अभी आपको बताऊँगा, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं। और ये जो है सैमसंग गैलेक्सी A13, ठीक है ना, इस मोबाइल से मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल लिया था और इसका ये बॉक्स रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है लावा Z3, ये मुझे कॉलेज की तरफ से मिला था मोबाइल, वो मोबाइल का यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक गोरिल्ला पॉड देखने को मिलेगा जो कि ब्लॉगिंग में कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लॉथ पड़ा हुआ है, जैसे कि मैं चेयर साफ़ करता हूँ, एक पंखा रखा हुआ है जो कि मैं गर्मियों में यूज़ करता था बट अभी इसका कोई यूज़ है नहीं। और उसके बाद एक पानी की बोतल है जो कि मैं गर्मियों में इसे भी यूज़ करता था, गर्मियों में पानी लेके आता था बिकॉज ऊपर पानी की व्यवस्था है नहीं तो पानी लेके आना पड़ता था। ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ ये वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं जैसे वायर वगैरह हो गया, और यहाँ पर इस एरिया में और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूँगा, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये लाइट्स मैंने लगा रखी हैं ऊपर, लेकिन ये लाइट अभी ख़राब हो चुकी है तो मुझे यहाँ पर दूसरी लाइट का जो है अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अभी नहीं चल रही लाइट, मैं दूसरी यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पर, मैं आपको बताऊँगा कौन सी लाइट है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने इस साइड पर। ठीक है, ये मैंने पूरा जो है इस वॉल पर ग्रीन स्क्रीन को इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दूर से जाकर दिखाऊँगा अभी एक बार, ग्रीन स्क्रीन इंस्टॉल करके रखी है। ग्रीन स्क्रीन बेसिकली एक कपड़ा होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पकड़ के, कुछ खास नहीं होता, बस ये एक कपड़ा है। ठीक है, मैंने अमेजोन से कुछ 350 या 300 ऐसे कुछ लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये वॉलपेपर है। ठीक है, ये वॉलपेपर भी हमने ये तो ऑफलाइन परचेज़ किया था, शायद ये 500 रुपये का था, 500 रुपये में कितना आया था मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इतना ये इतना वॉल कवर हो गया था 500 रुपये के पेपर में। ठीक है, ये अपने जो है वॉलपेपर हो गया। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा विंडो है, इसे मैंने अभी कवर कर रखा है, यहाँ से जो है अपना गांव का सीन कुछ दिखाई देता है बट अभी रात हो चुका है तो आई थिंक आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से गांव का सीन दिखाई देता है, मैं इसे क्लोज करके रखता हूँ बिकॉज बाहर जो है कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो तो मुझे ना दिखाई दे और अंदर की एक्टिविटी बाहर वाले को ना दिखाई दे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है इसका मेन डोर है जहाँ से अंदर आया जाता है, और दो लाइट जो है इस साइड यहाँ पर भी लगी हुई हैं। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो रहता है अपना एक ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे कि अपना जो है मोबाइल चार्ज करते हैं, और ये नीचे है जो लैपटॉप का चार्जर है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ जुगाड़ू पावर बैंक बनाया था, ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं तो अभी इसे बात नहीं करते इसके बारे में। और यहाँ पर एक ये लाइट लगा हुआ है, ये भी अभी ख़राब हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ये ट्यूबलाइट देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, क्या यहाँ पर ट्यूबलाइट लगा रखा है, और वहाँ पर अपना जो है कंप्यूटर सेट था पहले, वो कंप्यूटर का बोर्ड पड़ा हुआ है, अभी तो मैंने कंप्यूटर अपना जो है सेल कर दिया तो यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है वो बोर्ड। ठीक है, एक विंडो यहाँ पर इसे भी मैंने कवर करके रखा है, और है अपना जो
यहाँ पर ये आया है एक वायर, ये आया है लाइट के लिए, ठीक है, ये गया है लाइट के लिए, मैं अभी बताऊंगा आपको। और ये जो है चार्जर का वायर आया है और यहाँ से ये इस तरह से गया हुआ है और यहाँ लैपटॉप में लगा हुआ है और लैपटॉप को ही चार्ज कर रहा है प्रॉपर। जो ये बुक रखी हुई है नोटबुक, इसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं स्क्रिप्ट जब कभी बोलता हूँ यहीं से देख कर बोलता हूँ। एंड यहाँ पर जो है ये हमारा बिस्तर है पूरा, यहीं पर मैं जो है लेटता हूँ शाम को, ठीक है, रात को मतलब यहीं पर लेटता हूँ। और इसी पे मैं इस ट्राइपॉड को लगा देता हूँ और ये जो लाइट है इसी लाइट का जो है, जो एक ये नॉर्मल LED बल्ब लगा हुआ है और कुछ नहीं है, इसी का जो है ये वायर आया हुआ है यहाँ से और बिस्तर के नीचे से होते हुए यहाँ पे निकला हुआ है। ये यहाँ पे चेयर पड़ा हुआ है, जब हम कभी बैठ के वीडियो शूट करते हैं तो इसका जो है हाइट को कम कर देते हैं, ठीक है, इसकी हाइट को कम कर देते हैं और यहाँ पर जो है अपना मोबाइल होल्डर में मोबाइल को लगा देते हैं और इस चेयर पर बैठ के वीडियो को शूट कर लेते हैं हाइट कम करके। अभी मैंने वीडियो जो है खड़े होकर शूट किया था तो मैं इतना इसकी हाइट रखा था और इस हाइट से मैंने जो है वीडियो को शूट किया था, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा सेटअप और जो कुछ भी मुझे टेक्निकल चीज़ें देखनी होती है वो लैपटॉप की स्क्रीन में देखता रहता हूँ यहाँ पर और आप लोगों को बताता रहता हूँ। और यहाँ पे स्क्रिप्ट का मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा था ये किसके लिए है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखा देता हूँ एक बार। मैंने इसे लिया और इसे जो है जब मैं वीडियो को एडिट करता हूँ इस लैपटॉप से तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, तो इन दोनों को मैं इसके नीचे लगा देता हूँ, एक को यहाँ पे एक को यहाँ पर लगा देते हैं और जो अपना जो ये लैपटॉप है इसे कुछ इस तरह से इस पर रख देते हैं जिससे कि जो है एयर पास हो, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं माइक कौन सा यूज़ करता हूँ यहाँ पर यूट्यूब के लिए। तो माइक यूज़ करता हूँ गोया YM1 जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं, ये रहा गोया का माइक, ठीक है, ये वाला माइक यूज़ करता हूँ और कुछ ज़्यादा है नहीं और इतना ही इक्विपमेंट मैं यूज़ करता हूँ। तो एक छोटा सा जो है अपना स्टूडियो टूर का जो है वीडियो था, मैं एक बार आपको पूरा फिर से घुमा के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लो कहाँ पर क्या चीज़ है। और मैं फिर वीडियो को एंड करता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो गाइस ये पूरा जो है अपना सेटअप है, ये मेन सेटअप तो यही रहेगा जहाँ पे मैं ये इस चेयर पे बैठता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर जो है मोबाइल को लगाता हूँ, ये सामने लैपटॉप रखा है वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी हुई है और इस तरह से मैं पूरा वीडियो शूट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लेटता हूँ। आई थिंक आप लोगों को जो है अपना सेटअप दिखाई दे गया होगा पूरा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बार, मैं इस सेटअप को बहुत जल्दी अपग्रेड करने वाला हूँ, ये ट्राइपॉड काफ़ी पुराना हो गया, मतलब फर्स्ट ट्राइपॉड ही है मैंने यूट्यूब लाइफ में, ये पहला ट्राइपॉड लिया था वही है, इससे एक अच्छा ट्राइपॉड लेना है, कुछ रिंग लाइट्स लेनी है और बहुत सी चीज़ें वो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा जब मैं वो चीज़ें लेके आऊँगा और यहाँ पर लगाऊंगा, पूरा इंस्टॉल करूँगा, अपग्रेड कर दूँगा स्टूडियो को, तब आपके सामने जो रहेगा वो भी चीज़ें शेयर करूँगा। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।